हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन नेचुरल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम कड़े पत्ते प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी वीडियो डाली थी, तब इसकी बहुत कम ग्रोथ थी। जो इसकी वाली शूट है, बिल्कुल न्यू शूट निकले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब इसके फर्टिलाइज़र देने के बाद इसकी ग्रोथ ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट्स में ऐसे ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, रेनी सीज़न का बेस्ट टाइम है कड़े पत्ते प्लांट की रिपोर्टिंग का, और आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं बिना उसको स्ट्रेस में लाए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, इसकी लीव्स कितनी सारी है, और रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट्स स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से उसकी जितनी भी लीव्स होती है वो येल्लो होकर ड्राई होकर गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका प्लांट को ऐसा लगता है जैसे कि उस वो ख़राब हो गया, बट वो स्ट्रेस में आने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्लांट्स स्ट्रेस में ना आए और उसकी ग्रोथ बिल्कुल ना रुके और वो ऐसे ही ग्रोथ करे, तो फ्रेंड्स आप उसको रेनी सीजन में उसकी रिपोर्टिंग कर दें। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कितने छोटे से 4 इंच के पॉट में लगा रखा है, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी ग्रोथ भी कम है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे अपने प्लांट्स को रेनी सीज़न में स्पेशली कड़ी पत्ते प्लांट को रेनी सीज़न में ही रिपोर्टिंग करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। और उसके लिए जो मैंने सॉइल ली है वो गार्डन सॉइल है, और गार्डन सॉइल में मैंने 30% कंपोस्ट मिलाया। तो फ्रेंड, मैंने इसके लिए वर्मी कंपोस्ट लिया इसकी, और आपके पास जो कंपोस्ट अवेलेबल आप वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ कि इसकी रूट्स कितनी डेवलप है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्लांट को पॉट से निकाले, और आप इसकी रूट्स देख सकते हैं कि इसकी रूट्स कितनी बाउंड हो चुकी है। और कड़े पत्ते को रूट्स बाउंड होना ही पसंद है इसलिए। और आप देख रहे हैं कि अब इसको मैं इसकी रूट्स को बिल्कुल भी ना छिड़कूँ, इसको एज इट इज़ सेट कर दूँगी, बिकॉज कड़े पत्ते का प्लांट बहुत डेलिकेट होता है। अगर आप इसकी रूट्स को थोड़ा सा भी छेड़ देंगे तो स्ट्रेस में आ जाएगा, और इसको आपको ज़्यादा एयर भी नहीं लगानी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पॉट से निकाल लिया है, और मैंने इसमें जो सॉइल है अभी इसमें गार्डन सॉइल है, अब इसको सेट करने के बाद मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अब एज इट इज़ इसको रख लेती हूँ पॉट में। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसको पॉट में रख लिया है, और इसके लिए जो मैंने कंपोस्ट लिया है, इसके लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और ये मैंने 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला इसकी अच्छे से इसकी ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसमें डाल सकते हैं। और एनी सीज़न में इसकी जो ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ फास्ट होगी अगर आप इसमें अच्छे से कंपोस्ट वगैरह डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कंपोस्ट, और जो इसकी ये ग्रोथ थी ये ओनली गार्डन सॉइल में थी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी ग्रोथ गार्डन सॉइल में भी देख सकते हैं कि इसकी प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, और बिकॉज़ मैंने इसको में फर्टिलाइज़र दिया था। और आप भी इसी तरह अपने प्लांट्स को कंपोस्ट फर्टिलाइज़र दे जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको पूरा सॉइल से, गार्डन सॉइल से फिल कर लेती हूँ, और फिर आपको इसको शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे पॉट को सॉइल से फिल कर लिया है, और अब इसमें अब पानी डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रेनी सीजन का टाइम है, इसलिए आपको ज़्यादा अपने प्लांट्स की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इसको रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा गर्मी में किया है तो आपको उसको शेडी एरिया में रखना है, बिकॉज रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट्स को थोड़ा टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। तो फ्रेंड, आप उसको थोड़ा टाइम दें, इसको सॉइल में सेट होने के बाद ही आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में लाए, अदरवाइज़ उसकी सारी लीव्स झड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ख्याल रखना है, और आप भी इसी तरह अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग रेनी सीजन में कर दे जो उसके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।